तो गाइस अगर फ़ोन पे में आप लोगों ने ये ऑटो वैलेट टॉपअप का जो सर्विस है उसे अगर गलती से इनेबल कर दिया है तो उसे आप लोग अगर कहीं डिसेबल करना चाहते हैं और साथ में अगर डिसेबल करने जा रहे हैं तो यहाँ पर 5,000 रुपये अगर आपसे मांगा जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि कैसे आप लोग को डिसेबल करना है और आपको 5,000 रुपये भी पेमेंट नहीं करना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा 1,000 रुपये ऑटो जो टॉपअप वैलेट में है वैलेट में जा चुका है। यहाँ पर ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह भी आप लोग देख सकते हो। तो मेरा कैसे मैंने कैसे अपना डिसेबल किया है और साथ में मेरा जो 5,000 रुपये मांग रहा है वो कैसे भी आप लोग को नहीं इसमें देना होगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हे गाइस स्वागत है आप सभी का एक और शानदार वीडियो में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सिंपली इस तरीके से आपका फ़ोनपे का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को जो यहाँ पर फ़ोनपे वैलेट का आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर मैनेज ऑटो टॉपअप का आइकन दिख रहा है इस पर सिंपली क्लिक करेंगे आप। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे लास्ट में आप लोग को दिख रहा होगा रिमूव ऑटो पे, ठीक है। रिमूव ऑटो पे आप लोग को नीचे दिख रहा होगा, तो सिंपली रिमूव ऑटो पे से यहीं से ही आप लोग रिमूव कर सकते हो इसे, ठीक है। आपको 5,000 रुपये पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वो कैसे होगा आज के इस वीडियो में आप लोग को पता चल जाएगा। तो सिंपली आप लोग यहाँ पर रिमूव पर जैसे करेंगे तो यहाँ पर कन्फर्म करने के लिए देगा और जैसे कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो आप लोग के सामने यहाँ पर 5,000 रुपये पेमेंट करने के लिए बोल देगा, ठीक है। तो यार आप लोगों को ये जो 5,000 रुपये का पेमेंट है ना इस पर आप लोग को UPI पिन दे देना है, ठीक है, क्योंकि इसके आप लोग का ये इसमें से पैसा नहीं कटेगा। मैंने कस्टमर के से इससे रिलेटेड क्या बात है कि आप लोग इस वीडियो में सुन सकते हैं। तो चलिए वीडियो को देखिए आप। क्योंकि इस फ़ोन से करता हूँ तो जो मतलब इंटरनेट नहीं चलता है तो मैं अपने छोटे वाले स्मार्ट मतलब फ़ोन से कीपैड फ़ोन से मैंने कॉल किया। तो यार आप लोग देखना मैं कैसे इसे रिमूव किया हूँ और साथ में ये जो 5,000 रुपये है ये क्या चीज़ है और कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। नहीं तो इसमें 5,000 रुपये लिखा हुआ है फोन पे, इसके बाद 5,000 रुपये जैसे पेमेंट। तो वो क्या चीज का है? हेलो, अच्छा ये कटे कटे मैं UPI पिन इसमें डालूँ ना? अच्छा कटना नहीं चाहिए, एक सेकंड मैं आपके सामने रुकी मैं डाल रहा हूँ ऑटो पे रूम में इन प्रोसेस। हाँ रिमूव तो हो चुका है। अब मैं अपना बैलेंस चेक कर रहा हूँ, इसके बाद आपको बता रहा हूँ, रुकिएगा। रिंटर तो गाइस UPI पिन में डालने के बाद यहाँ पे बैलेंस चेक किया तो मेरा जितना पहले से बैलेंस था उतना ही था, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा यार कि जो आप लोगों के सामने 5,000 रुपये का लिख करके चला रहा है UPI पिन डालने के लिए, ठीक है। तो यार वो देखो एक लिमिट है, ठीक है, वो आपका पेमेंट नहीं कटेगा वो दिखाता है, लेकिन वो एक लिमिट है ऑटो पे स्टार्ट करने से पहले और बाद में भी, ठीक है। तो जैसा कि कस्टमर केयर ने बताया हमें, ठीक है। तो यार मेरा कोई भी पैसा नहीं कटा है, तो आप लोग के सामने भी अगर ऐसा आ रहा होगा तो उस पर क्लिक कर देना और आपका जो ऑटो पे सर्विस है वो मतलब ऑटोमेटिक जो है डिसेबल हो जाएगा या रिमूव हो जाएगा।